अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं अली रजा। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। पिशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इब्राहिम सानिया एपीएस तहकीकाती कमीशन के सरबरा मुकर्रर। तहकीकाती कमीशन 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। इलामिया जारी कर दिया गया। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान के गले पड़ गया। साद रफीक और सलमान रफीक के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। जुम्मे को दोनों भाइयों के पासपोर्ट ब्लॉक और नाम ब्लैक लिस्ट में डाले गए थे। बड़े चोरों को पकड़ा जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वज़ीर ताज़ नवाज चौधरी कहते हैं पैरोल ऑफ लॉ नारों से नहीं आता, आईएमएफ से कर्ज लेना मजबूरी थी। 35 हल्के 645 उम्मीदवार जिमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। पोलिंग के सामान की तस्लीम का अमल पाक फौज की जेर निगरानी जारी। 7,469 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,727 इंतहाई हसास करार। ओवरसीज पाकिस्तानी पहली बार वोट कास्ट करेंगे। कहीं बेटा कहीं भतीजा, कहीं बेगम और कहीं बेटी। शेख रशीद का भतीजा वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान, चौधरी शुजात और परवेज इलाही के बेटे डीजी एमएनए अफजल खोकर का भाई मैदान में। उस्ताद को इज्जत दो, सुप्रीम कोर्ट की आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी नैब लाहौर से तहरीरी माफीनामे पर आज खुद नोटिस निपटा दिया। अपनी बारी आए तो आंखों से आंसू निकल आए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहकीक करो तहकीर ना करो, इसाज़ा तंजीमों का 15 अक्टूबर को मुल्क भर में जुमे सियाह मनाने का ऐलान। टीचर्स काली पट्टियां बांध कर फ्राइज सर अंजाम देंगे। सब इंस्पेक्टर तशद्दुद केस, किसी वकील को गिरफ्तार किया ना ही किसी को सजा हुई। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। उम्मीद टीवी से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट उम्मीद टीवी।